सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. पोलर एनर्जी कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विच कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 लाख एंड द एस्टिमेट ऑफ सल्वेज वैल्यू इज 0. द टैक्स रेट इज 55%. द कंपनी यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड द प्रपोज प्रोजेक्ट हैज कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एज फॉलोज. ओके, देखिए अभी क्या दिया हुआ है इसके अंदर. ईयर दिया हुआ है 5 और कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन टैक्स. सो ये क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर हमें कहीं कैलकुलेट करना है. हमें 1,50,000 फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड के लिए दिया 2,50,000, 2,50,000 सेम फॉर 3 ईयर्स एंड फोर्थ ईयर के दिया 2 लाख और लास्ट 5 ईयर के दिया हम लोग को 1,50,000. इफ द कैश ऑफ कैपिटल इज 12%, वुड योर रिकमेंडेड द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इंटरनल रेट ऑफ मेथड. सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है, देखिए ईयर प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, उसके बाद क्या करना है डिप्रिसिएशन से कॉलम प्रिपेयर करना है, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद पीएटी एंड कैश इनफ्लो. सही है, जैसे कि ऊपर बताया आपको कि कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. सही है, उसके बाद बिफोर टैक्स मतलब क्या, बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स. सही है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है. सो ईयर दिए हुए हम लोग को 1 to 5 ईयर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं. सही है, 1 to 5 ईयर्स एज इट इज दिया. उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन 1,50,000, 2,50,000, 2,50,000 और 1,50,000. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. सो डिप्रिसिएशन कैसा चार्ज करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ लाइफ कितने दिए हैं हम लोग को 5. सही है, और हम लोग का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सही कितना दिया हुआ है इसके अंदर, प्रोजेक्ट विल कॉस्ट रुपीज 5 लाख. सो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ लाइफ, स्ट्रेट लाइन मेथड है. सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, सो हाउ मच यू विल गेट 1 लाख. सो 1 लाख क्या हुआ हम लोग का डिप्रिशिएट होगा हर साल के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है इसके अंदर. समझ में आया, फिर से एक बार बोलता हूँ, 5 लाख टोटल कॉस्ट दी हुई है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, कितना है ईयर 5. सो 5 लाख अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज. सो 1 लाख रुपीज फॉर एवरी ईयर, मतलब क्या कहना है, ईच ईयर के लिए लेना है 1 लाख रुपीज. सो डिप्रिसिएशन कॉलम में क्या आएगा, 1 लाख 5 ईयर्स के लिए टोटली. सही, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीबीटी. पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सो 1,50,000 माइनस 1 लाख कितना है हम लोग को 50,000. 2,50,000 माइनस 1 लाख 1,50,000. सेम 2,50,000 माइनस 1 लाख 1,50,000. 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख. 1,50,000 माइनस 1 लाख 50,000. समझ में आया कैसा आया. उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है. टैक्स रेट हम लोग को कितना बताया गया है, 55%. सही है, सो लेट्स सी हियर. अभी क्या दिया हम लोग को, टोटल डिप्रिसिएशन हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और अभी टैक्स कैलकुलेट करना है. सही है, सो पीबीटी हम लोग मिला हम लोग को, पीबीटी डिप्रिसिएशन निकालने के बाद. सो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 55%, ये हुआ फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए. सही है, कितना आया, 27,500. आप यहाँ पे देख सकते हैं 27,500 ये क्या मिला हम लोग को, फर्स्ट ईयर का टैक्स रेट मिला डिप्रिसिएशन निकालने के बाद. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 55%. सो हाउ मच यू विल गेट टोटल, 82,500 आया यहाँ पे, 82,500. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, 1,50,000 सेव आएगा 55%. सो 82,500. उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना है, 55%. सो हाउ मच वी विल गेट टोटल हियर, 55,000. ओके, सो टैक्स रेट का. उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हम लोग का 50,000. सही है, मल्टीप्लाई बाय कितना, 55%. कितना आया, 27,500. ये हम लोग को क्या आया, टैक्स रेट है. सही है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, पैट निकालना है. पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो हम लोग को कितना दिया हुआ है यहाँ पे टैक्स, अभी प्रॉफिट कितना दिया था सबसे पहले, सॉरी पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन. सही है, सो कितना मिला था हम लोग को, डिप्रिसिएशन टैक्स 50,000. सो इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, लेस करके वो
वैल्यू लेंगे. सो 50,000 माइनस टैक्स कितना आया हम 27,500. सो हाउ मच यू विल गेट आफ्टर पैट आफ्टर टैक्स 22,500 22,500 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे 1,50,000 सही है माइनस 82,500. सो वी विल गेट पैट हियर 67,500 आया है. उसके बाद नेक्स्ट से भी रहेगा 1,50,000 माइनस 82,500 सो 67,500. उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज माइनस कितना है 55,000 सो 45,000. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 50,000 माइनस 27,500 सो वी विल गेट पैट 22,500. सो हम लोग को क्या मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां तक मिला है. ओके उसके बाद हमें क्या निकालना है कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे जैसे हमने कल भी कैलकुलेट किया था पैट प्लस डेप्रिसिएशन सही है. सो पैट हम लोग को कितना है 22,500 प्लस डेप्रिसिएशन कितना आया था हम लोग का यहाँ पे 1,00,000 रुपीज. सो वी विल गेट टोटल हियर 1,22,500 1,22,500 सही है ये फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट 67,500 प्लस 1,00,000 सो 1,67,500. ओके उसके बाद में क्या है सेम ही आएगा उसका कैलकुलेशन नेक्स्ट का भी 1,67,500. ओके नेक्स्ट दिया हुआ है 45,000 प्लस 1,45,000. ओके एंड द लास्ट वन 22,500 प्लस 1,00,000 सो वी गेट टोटल हियर 1,22,500. ओके अभी हमें क्या करना है टोटल निकालना है सही है. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के बाद जो हमने कैलकुलेट किया है उसके हम क्या करेंगे अभी टोटल निकालेंगे. सो टोटल कैश इनफ्लो पैट ऑफ डिप्रिसिएशन 1,22,500 प्लस 1,67,500 प्लस 1,67,500 1,45,000 1,20,500. सो वी विल गेट टोटल 7,25,000. समझ में आया कितना मिला हम लोग को टोटल इसका 7,25,000. ओके सो ये हम लोग ने यहाँ पे क्या किया इसका आंसर निकाला. ओके हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग. आज हम हमारा एक नया प्रॉब्लम देखने वाले हैं ठीक है. इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ठीक है. सो प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है. अभी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमें स्टेटमेंट हर एक इसके हमें स्टेटमेंट नहीं देते. स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है जो परफॉर्मा हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना है. तो प्रोफिटेबिलिटी का जो स्टेटमेंट है अगर आपको जो प्रॉब्लम आएगा एक केस स्टडी के प्रॉब्लम है जो एग्जाम के लिए भी आते हैं जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कहा था सही है. सो ये जो प्रॉब्लम है उसे एक ही परफॉर्मर रहता है. अगर प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना रहेगा तो आपको इसमें का एक ही प्रॉब्लम आएगा जो एक ही बुक में दिया हुआ है. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दिए हुए लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम है वो उसी हिसाब से आते हैं ठीक है. सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखिए एक्सेल ट्रेडिंग को लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन फॉर द इमीडिएट एक्सपेंशन प्रोग्राम. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मशीन इन द मार्केट फॉर दिस पर्पज. सो देर डिटेल्स आर एज फॉलोज. हमें क्या दिया हुआ है पर्टिकुलर मशीन ए मशीन बी एंड मशीन सी. इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है थ्री मशीनरी दिए हुए हैं और उसी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन. अभी फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मशीन मशीन ए की प्राइस कितनी दी हुई हम लोग को जो फर्स्ट है 17,500. मशीन बी दी हुई हम लोग को 12,500 और मशीन सी की दिए हुए हम लोग को 9,000. उसके बाद हमें क्या करना है एस्टिमेटेड सेविंग कॉस्ट दिया हुआ है. सो एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप पर वैल्यू 400, 750 and 250 as it is दिया हुआ है सही है. So estimated saving in direct wages per year दिया हुआ है हम लोग को 2,750, 6,000 and 2,250 ठीक है. उसके बाद दिया हुआ है additional cost of indirect material per year मशीन A के लिए डैश मतलब कुछ नहीं है मशीन B के लिए 400 और मशीन C के लिए भी डैश मतलब नील. So expected saving in direct material per annum 100 rupees दिया हुआ है मशीन A के लिए ठीक है. बी के लिए कुछ नहीं दिया हुआ नील है. उसके बाद सी के लिए दिया हुआ है 250
उसके बाद दिया हम लोग को एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर, क्या है एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, कितना आता है मशीन ए के लिए 750, मशीन बी के लिए एडिशनल कॉस्ट आता है पर ईयर 550 और मशीन सी के लिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है 500। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, सो कितना दिया हुआ है ए के लिए कुछ नहीं, बी मशीनरी के लिए हमें 800 दिया हुआ है और सी के लिए कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन कितना दिया, मशीन ए के लिए जो पूरी लाइफ है 10 ईयर्स, उसके बाद मशीन बी के लिए 6 ईयर्स और मशीन सी के लिए दिया हुआ है 5 ईयर्स। तो मशीन के लाइफ दिए हुए और उसके बाद टैक्सेशन दिया हुआ है 40% ऑफ प्रॉफिट। जैसे हम कभी मतलब मशीन जब हम परचेस करते हैं तो उसके अंदर क्या हमें खर्चा आता है, उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा एक टाइम के बाद, उसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या थे, उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम एक्सपेक्टेड सेविंग इसके हिसाब से क्या थे, उसके बाद एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी हमें उसके अंदर एज पर मेंटेनेंस एज पर सुपरविजन, ये हम इसके अंदर सब देखने वाले हैं, ठीक है। और हमें उसके हिसाब से उसका डायरेक्टली आंसर निकालना होगा। तो फर्स्ट और उसके बाद हमें लाइफ दिया हुआ है कि कितनी कौन सी मशीनरी की कितनी लाइफ है, ठीक है। सो उसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे क्या दिया हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द मैनेजमेंट, क्या एडवाइस करना है मैनेजमेंट को, व्हिच टाइप ऑफ मशीन शुड बी परचेज ऑफ द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड, कौन सी मशीन हमें खरीदनी चाहिए एज फॉर पे बैक पीरियड। BMS यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम आया था, सही है। सो आई थिंक मैंने 2 साल पहले शायद प्रॉब्लम आया था यूनिवर्सिटी के अंदर। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको कहा था हमें डायरेक्टली इसका आंसर निकालना होता है। तभी आप पूछेंगे कि इसका परफॉर्मेंस डायरेक्टली दिया हुआ है बुक के अंदर, मतलब क्या कि उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, जैसे कि आंसर के अंदर दिया हुआ है एज इट इज, ये परफॉर्मर के इस हिसाब से ही आएगा। जैसे कि सबसे पहले हम जब कॉस्ट फाइंड करते हैं तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले हमारी स्क्रैप वैल्यू से, उसके बाद हम डिप्रिसिएशन तक पहुंचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है हमारे एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, सो हम लोग की स्क्रैप वैल्यू दिए ऊपर, सही है। तो एस्टिमेटेड सेविंग स्क्रैप से कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ए के लिए 400, बी के लिए 750 और सी के लिए 250 एज इट इज दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद हमें एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, सही है, एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस 2750, 6000 एंड 2250, ठीक है, 2750, 6000 एंड 2250। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दिया हम लोग को एक्सपेक्टेड सेविंग इन इनडायरेक्ट मटेरियल, सो एक्सपेक्टेड सेविंग इन इनडायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हम लोग को, 100 rupees - 250, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों की टोटल करेंगे, मतलब टोटल सेविंग कॉस्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल सेविंग कॉस्ट जो दिए हुए उसके हमें क्या करना है, एडिशन करना है। मतलब क्या कि सबसे पहले हमारा एस्टिमेटेड ऑफ सेविंग, मतलब देखिए इसका परफॉर्मा कैसा है, फर्स्ट एस्टिमेटेड ऑफ सेविंग स्क्रैप, एस्टिमेटेड सेविंग ऑफ डायरेक्ट वेजेस और एस्टिमेटेड ऑफ सेविंग इनडायरेक्ट मटेरियल, ये तीनों का क्या दिया हुआ है, सेविंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले इनको एक अलग ग्रुप के अंदर लेंगे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन लेंगे हम लोग, एस्टिमेटेड सेविंग इनडायरेक्ट मटेरियल, सो ये तीन हुए। सो हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड सेविंग की टोटल करेंगे, ठीक है। सो टोटल ऑफ सेविंग, सो लेट्स सी फर्स्ट कैसे आता है टोटल इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल 400 मशीन ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, 2750 प्लस 100, ओके कितना आया 3250 मशीन ए के लिए। मशीन बी के लिए कैलकुलेट करेंगे 750, उसके बाद 6000, उसके बाद दिया हुआ है इतना ही दिया हुआ डायरेक्ट, उसके बाद क्योंकि दूसरी कॉस्ट नील दी हुई, सो टोटल आएगा इसका 6750, ओके। और मशीन सी के लिए 250 प्लस 2250 प्लस 250, सो 2750, तो हमें टोटल सेविंग क्या मिला, 2250, जैसे कि हमने पहले सेविंग के लिए कैलकुलेट किया स्क्रैप वैल्यू से लेके हमारा सेविंग ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। सो टोटल सेविंग हमें मिला 3250 फॉर मशीन ए, मशीन बी के लिए मिला हम लोग को 6750 और मशीन सी के लिए मिला 2750। देखिए जब भी आप अगर इसको परफॉर्मा में लिखना चाहोगे ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एस्टिमेटेड सेविंग स्क्रैप वैल्यू, पहला फर्स्ट जो सेक्शन आएगा वो सेविंग के लिए आएगा, एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, एक्सपेक्टेड सेविंग इन इनडायरेक्ट मटेरियल, ये क्या हो गया फर्स्ट के लिए। उसके बाद क्या, सेविंग के बाद क्या आएगा, उसकी कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से लेंगे, उसके बाद में हम उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, एडिशनल कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अभी सेविंग के बाद इसका आता है कॉस्ट का, सो एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल पर ईयर ए के लिए कुछ नहीं दिया है और बी के लिए सिर्फ 400 रुपीज दिया हुआ है, सो हम यहाँ पे लेंगे नथिंग।
और यहाँ पे दिया हुआ है 400 और 0। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, कौन सी कॉस्ट दी हुई हम लोग को, उसके बाद दिया हुआ है एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। सो ए के लिए 750, बी के लिए 550 और सी के लिए 500 एज इट इज हमें यहाँ पे लेना है 750, 550 और 500। एंड द लास्ट वन इज अवर कॉस्ट, कौन सी दी हुई हम लोग को, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर, एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, सो डैश 800 और डैश, सही है। सो एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन कितना में से बी के लिए क्या है 800 है, सही है। सो अभी टोटल एडिशनल कॉस्ट की क्या करना है हम लोग को, टोटल करना है सबसे पहले। सो हम क्या करना है इसके बाद, अब इसकी हमें टोटल एडिशनल कॉस्ट की टोटल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमारा टोटल सेविंग कितना दिया हुआ है 3250, सही है। और उसके बाद हमें दिया हुआ है एक एडिशनल कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस ए के लिए, मशीन ए के लिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, सही है, कितने दिया है 750। सो टोटल एडिशनल कॉस्ट कितना मिला इसी मशीन ए के लिए हम लोग को 750, सही है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि हम लोग की जो टोटल सेविंग है वो कितनी है 3250, सही है। और उसमें से बताया हम लोग को कि 750 क्या दिया हुआ हम लोग को टोटल एडिशनल कॉस्ट, तो हम डायरेक्ट जो ऊपर दिया हुआ है टोटल सेविंग में से उसको क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले लेस करेंगे। सो 3250 माइनस 750, हाउ मच यू विल गेट हियर 2500, समझ में आया। सो उसी तरह बी के लिए भी करेंगे हम लोग को 6750, और उसके बाद में हम लोग का जो टोटल एडिशनल कॉस्ट दिया हुआ है कितना दिया है टोटल एडिशनल कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे 1750, सो माइनस 1750 इज इक्वल टू विल गेट 5000 हियर। मतलब क्या करना है, जो हमें टोटल सेविंग मिली है उस टोटल सेविंग में से हमें टोटल एडिशनल जो कॉस्ट है वो क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट है मशीन सी के लिए कितनी टोटल आई थी 2750 माइनस कितना दिया हुआ है टोटल एडिशनल कॉस्ट हम लोग का 500, सो वी विल गेट हियर 2250, समझ में आया कैसे आया। इसको क्या कहेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, जो हमने वैल्यू निकाली। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट डिप्रिसिएशन निकालना है। अभी डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं हम लोग, हमारा कितना जो एस्टिमेटेड लाइफ मतलब जो ईयर्स दिया हुआ है, सही है, वो लेंगे डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। लेकिन कैसे करेंगे कि हम लोग का जो टोटल वैल्यू ऑफ मशीन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितनी लाइफ रहेगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मशीन ए के लिए क्या दी हुई कॉस्ट ऑफ, हम लोग की कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है 17500, जो प्राइस आती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सही है। सो 17500 डिवाइडेड बाय कितना है लाइफ मशीन की 10 ईयर्स, सो कितना आया 1750, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1750 आया है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 12500, सो 12500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है हम लोग का 6, सो कितना आया 2083, ठीक है, मशीन बी के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे 2083। एंड द नेक्स्ट वैल्यू मशीन सी के लिए दी है हम लोग को 9000, सही है। सो 9000 डिवाइडेड बाय 5 वी विल गेट 1800 डिप्रिसिएशन, सो कितना आया हम लोग का डिप्रिसिएशन यहाँ पे 1800। अभी क्या करना है हमें, इसके अंदर से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, सही है। सो क्या करेंगे हम लोग की जो टोटल वैल्यू दी है मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसमें से हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन जो हमें मिला है वो लेस करेंगे। सो लेस सी 2500 माइनस 1750 इज इक्वल टू वी विल गेट 750 जो है पे मिले हम लोग को डिप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, सही है। सो उसके बाद क्या आया है नेक्स्ट देखेंगे, 5000 माइनस कितना मिला हम लोग को 2083 डिप्रिसिएशन, सही है। सो 2917 आया यहाँ पे 2917। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को 2250 माइनस क्या दिया हुआ है हम लोग को 2250 माइनस हम लोग को जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकाली हमने कितना 1800, सो वी विल गेट हियर 450, समझ में आया कैसे आया। सो ये क्या मिला हम लोग को, ये हम लोग को मिला है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सही है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डिप्रिसिएशन। सो उसके बाद में हमें क्या करना है, लेक्स टैक्स। सो टैक्स कितना दिया था हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, टैक्सेशन एट 40% ऑफ प्रॉफिट, सही है। सो उसके ऊपर कितना हमें क्या 40% निकालना है, सही है। सो लेट्स सी
750 मिला है, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 40% सो इज इक्वल टू यू विल गेट 300, सही है। तो मिला है यहाँ पे 300 एक मशीनरी के लिए उसका टैक्स। नेक्स्ट देखेंगे कितना आता है, 2917 मल्टीप्लाई बाय 40%, सो वी विल गेट हियर 1167। देखिए 1167 डेसिमल आ गया, 8 है इसके, मैंने क्या किया उसको 7 लिया, सो 1167। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ हम लोग को, 450, सो 450 मल्टीप्लाई बाय 40%, सो कितना आया, नेक्स्ट आता है हम लोग को 180। सो हम क्या करेंगे, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स क्या करते हैं हम लोग हमेशा लेस करते हैं, सो 750 माइनस 300 सो इज इक्वल टू वी विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 450, समझ में आया। उसके बाद सेम वैसा ही करेंगे, कितना मिला था हम लोग को 1167 माइनस टैक्स है हम लोग का, कितना मिला टैक्स नीचे हम लोग को, राइट कितना मिला देखिए, सबसे पहले हम लोग को जो डिप्रिसिएशन टैक्स होने के बाद 2917 माइनस कितना मिला 1167, सो इज इक्वल टू वी विल गेट 1750। उसके बाद में नेक्स्ट है था हम लोग का 450, सो 450 माइनस कितना मिला 180, सो वी विल गेट 270। समझ में आया था कैसा किया हम लोग ने, हमने क्या किया इसके बाद टैक्स लेस किया। अभी क्या करना है, लास्ट स्टेप के अंदर हमें दिया हुआ है कि आपको डिप्रिसिएशन जो आपने निकाला उसको ऐड करना है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, सही है। सो आपको डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए कितना था 1750 और आपकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है 450, सो 450 प्लस 1750 हाउ मच वी विल गेट 2200 फॉर कैश इनफ्लो, ओके फर्स्ट मशीन ए के लिए। सेम लाइक हियर 2083 फॉर सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन प्लस हाउ मच रिमेन्स अमाउंट 1750, सो वी विल गेट 3833 आया है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है 270 प्लस 1800, सो वी विल गेट 2070। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किए, उसको हम कहते हैं कैश इनफ्लो। अभी उसके बाद क्या देखना है हम लोग को, हम इसके इनफ्लो निकालना है कैश इनफ्लो। सो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, जैसे कि फॉर्मूला हमें दिया है फॉर्म, सबसे पहले बताया इसके अंदर कि आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल नेट कैश इनफ्लो, सही है। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हमें प्रॉब्लम के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना था हम लोग का फर्स्ट डिविजन ए के लिए 17,500 मतलब कॉस्ट ऑफ मशीनरी, उसके बाद में 12,500 और सी के लिए था 9,000, सही है। अभी डिवाइडेड क्या करना है, 17,500 फॉर्मूले के हिसाब से 17,500 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल कैश इनफ्लो जो अभी हमें मिला है 2,200, समझ में आए। सो डिवाइडेड बाय 2,200 कितना आया 7.95, देख सकते हैं आप आंसर यहाँ पे 7.9695 मतलब डेसिमल क्या है 5 है, सो 7.95 समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, मशीन 12,500 डिवाइडेड बाय 3833 सो वी विल गेट 3.26 ईयर्स, ओके। सो नेक्स्ट है 9,000 डिवाइडेड बाय 2070 सो 4.34 ईयर्स और 4.35 ईयर्स, ओके। सो यार इसका आंसर ठीक है, देख लीजिए एक बार पेबैक पीरियड का फॉर्मूला, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी टोटल मशीन की कॉस्ट अपॉन एनुअल नेट कैश इनफ्लो जो अभी हमने फाइंड किया था, सही है। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, आंसर किया। अभी सजेस्ट क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द पे बैक पीरियड द मैनेजमेंट इज एडवाइज टू परचेस मशीन बी, क्योंकि इसका क्या है कम समय के अंदर क्या होता है कवर होता है टोटली, सही है। सो मशीन बी सिंस हिज द लेसर बैक पीरियड, सबसे क्या है इसका लेसर बैक पीरियड के अंदर ये कवर होता है, सो कौन सी मशीन सजेस्ट करेंगे हम लोग, मशीन बी, ओके। अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा या कोई स्टेप समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।